बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा मसाला। उसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मटन, उसे अच्छे से वॉश कर लें। उसमें हमें खड़े गरम मसाले और नमक हल्दी डालकर बॉईल करना है। सबसे पहले हमें एक कुकर लेना है, उसमें मटन डाल दें, उसमें 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट डालें। उसके बाद जो हमने खड़े मसाले लिए थे, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिरी, जीरा, नमक, हल्दी, सब हमें इसमें डाल देना है। उसके बाद हमें इसमें 1/2 ग्लास पानी डालना है, उसे अच्छे से मिक्स करके बॉईल कर लें। उसके बाद हमें एक बर्तन लेना है, उसे 3 चम्मच जितना तेल डालें। आलू को मैंने बॉईल कर लिए थे, उसमें नमक और हल्दी डाल के इस ऑयल में थोड़ी देर फ्राई कर लें। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक, ये सब मसालों को हमें भून लेना है। उसमें हमने जो गोश्त बॉईल करके रखा था वो भी डाल दें और अच्छे से 5 मिनट तक भून लें। उसके बाद हमें 1 चम्मच कोरमा मसाला डालना है और 2 चम्मच गरम डालना है। उबलने दें। उसके बाद हमें हरा धनिया डालना है और एक साइड कोलसा गरम करके हमें उसमें धुंगार करना है। तो हमारा कोरमा मसाला रेडी है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।